हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज डेट है 27 अक्टूबर और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 5 नवंबर को शेड्यूल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने IBPS रिसेंटली मैंने RRB PO मेंस दिया हुआ है और मेंस क्वालिफाई हो गया है मेरा, और नवंबर 9 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है। RRB क्लर्क मेंस भी मैंने दिया है इस बार, IBPS क्लर्क मेंस भी अटेम्प्ट किया है। मैंने IBPS PO मेंस लास्ट ईयर दिया हुआ है और SBI क्लर्क मेंस भी मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया है। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ IBPS PO मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि इस बार IBPS फॉलो कर रहा है। IBPS एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा इंक्रीज कर रखा है और रीजनिंग काउंट दोनों ही लेवल इंक्रीज है अब की बार। जैसे मैंने RRB PO मेंस दिया हुआ था, मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम के रिव्यूज़ मैंने देखे हुए हैं, तो उनमें ड्यूएबल क्वेश्चंस हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स कर रखे हैं कैंडिडेट्स ने। जैसे कि काउंट के अंदर 30+ अटेम्प्ट्स हैं लास्ट ईयर, और इस बार एवरेज अटेम्प्ट्स 20-25 के बीच में है, और कट ऑफ भी इस बार बहुत ही कम गई हुई है RRB PO मेंस के अंदर। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ, करंट अफेयर का पैटर्न बता देता हूँ इस बार का जो फॉलो कर रहा है। मेरा RRB PO मेंस एग्ज़ाम सितंबर को था और मैंने लास्ट 4 मंथ्स की करंट अफेयर प्रिपेयर कर रखी थी। तो एग्ज़ाम के अंदर अगस्त की करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आए हुए थे RRB PO मेंस के अंदर, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए थे। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं मंथली पढ़ता हूँ, डेली मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूँ करंट का या नोट्स वगैरह नहीं बनाता हूँ। मैं मंथली PDF निकाल के और मंथली PDF ही पढ़ता हूँ, और प्लस MCQs डेली MCQs ही पढ़ता हूँ। तो मैंने अगस्त की, मेरे पास PDF थी नहीं, तो मैंने सिर्फ MCQs किए थे जो, और क्लासेस की थी मैंने ऑनलाइन, तो मैंने बस वही किया था। और जैसे मैंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया तो उसके अंदर अगस्त के हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस थे, और मैंने ईजिली 33+ अटेम्प्ट किए हुए हैं। और ये जो मैंने एग्ज़ाम्स बताए, इनके रिव्यूज़ मैंने इस चैनल पे शेयर कर रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा RRB क्लर्क मेंस था 16 सितंबर को, उसके अंदर भी सेम था, अगस्त की 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और उसके बाकी लास्ट अगस्त के अलावा जून जुलाई के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे। और IBPS क्लर्क मेंस के अंदर दिसंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, लास्ट दिसंबर तक के, और जिसके अंदर मार्च अप्रैल भी कवर था। मार्च से भी 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे, अप्रैल के भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, और दिसंबर के भी क्वेश्चन आए हुए थे। इस बार करंट का लेवल बहुत हार्ड लेवल नहीं है, ईजी टू मॉडरेट लेवल है, डूएबल है। 30+ क्वेश्चन आप इन एग्ज़ाम्स मैंने किए हुए हैं, तो आई होप IBPS PO मेंस के अंदर भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा। जो कि लास्ट ईयर मैंने IBPS PO मेंस दिया हुआ था, तो उसके अंदर इजी पैटर्न नहीं लगा था मुझे, इजी टू मॉडरेट लगा था। वैसे मैं अफेयर्स क्लाउड से कवर कर रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो रहे हैं मेरे, और मैं प्लस वीडियो एक सोर्सेस है जो कि ओलिव वर्ड मैम पे शीतल मैम पढ़ाती हूँ, उनका फॉलो कर रहा हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे करंट अफेयर के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वन वर्ड के क्वेश्चन हैं, थोड़े से ट्विस्टेड है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो कि कंफ्यूजिंग लगेंगे, वो मैंने स्किप किए हुए हैं। जैसे लास्ट अभी IBPS क्लर्क मेंस दिया था मैंने, उसके अंदर इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया के बारे में पूछ रखा था, कि और 4 ऑप्शंस दे रखे थे उसके अंदर, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें ये पूछा हुआ था कौन सी कंट्री इंडिया से बिलो रैंक करती है, तो थोड़े से मुझे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगे थे, बाकी ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे।
आरबीआई की जो उद्गम पोर्टल के बारे में डायरेक्ट पूछा हुआ था, उसमें कोई स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं दे रखे थे। स्कीम के बारे में पूछा हुआ था, हर टॉपिक कवर है वैसे, जो कि आईबीपीएस का पूछता है। स्टेट्स के बारे में पूछा हुआ, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। वर्ल्ड कप इंडिया ने कितनी बार जीता है, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था आईबीपीएस क्लर्क मेंस के अंदर। और 2023 एज ए ईयर ऑफ मिलेट्स का आया है, तो यही पूछा हुआ था किस नाम से 2023 का नाम रखा हुआ है। प्लस बैंकिंग पूछी हुई है, तो इसमें तो करंट अफेयर्स के अंदर ज़्यादा डीप से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चंस भी आप 20-20+ क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। बाकी मैं और सब्जेक्ट्स के लिए भी, रीजनिंग, इंग्लिश और कॉन्ट के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।